तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो आप यहाँ पर देखना, हिरण। हवा भी काफ़ी तेज चल रही है ना? नहीं, ये तो नॉर्मल ही है। मतलब ऐसा हवा, मतलब नॉर्मल चलता है? नॉर्मल है, लेकिन मतलब बड़ी बड़ी वेव उठती है जी। मतलब कितनी बड़ी वेव उठती है? अच्छी बड़ी बड़ी वेव उठती है, और एसी जाती है, एसी आती है। अरे बैक टू माई चैनल गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मिस्टर गो के चैनल में, यानी उदित राणा के चैनल में। और हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश भोपाल। तो ये मेरा फोर्थ स्टेट है, मिशन आत्मा शांति भ्रमण, ट्रिब्यूट टू अमर साइड ऑफ गोरखालैंड। तो बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं ज़्यादा। अभी हम जाने वाले हैं भोजताल, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ का नेशनल पार्क, जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। तो चलिए सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ई रिक्शा में बैठ चुका हूँ, और यहाँ पर हमारे काफी अच्छे भाईजान मिले। तो हमारे भाईजान हमें पूरा मतलब जगह का निरीक्षण करवा रहे हैं कि मतलब मैं खो ना जाऊँ करके। तो हमारे भाईजान ही हमें वहाँ तक छोड़ देंगे। तो वही है कि मतलब अगर आपकी नीयत अच्छी है तो आपको मदद करने वाला हर कोई मिल ही जाता है भाईजान। तो वही है कि मतलब काफ़ी अच्छा लगा भाईजान से मिलकर। अभी ही मुलाकात हुई, तो बात करते करते भाईजान ने कहा कि चलो हम आपको मतलब वहाँ तक बता देंगे हर एक चीज़, ताकि आप गुम हो ना जाओ। मोदी मस्जिद। तो यहाँ पर ये भी काफ़ी पुराना मस्जिद होगा ना भाईजान? बहुत पुरानी। यहाँ पर मैं एक प्रसिद्ध जगह, मतलब जो भोजताल यानी, और उसको यहाँ पर मतलब आजकल अपर लेक भी कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं वहीं पर विजिट कर रहा हूँ। तो जो ये आप पीछे देख सकते होंगे, तो ये पीछे है भोपाल का सबसे बड़ा तालाब, जो स्थित है वेस्टर्न साइड ऑफ द कैपिटल भोपाल में। तो अभी मैं थोड़ा भैया के साथ, इनके साथ नाव पे जाऊंगा, थोड़ा सा वहाँ का एक्सपीरियंस लूँगा और आपको भी वो एक्सपीरियंस शेयर कराऊंगा। तो अभी लाइफ जैकेट पहन लूँ, उसके बाद हम बोट में जाते हैं। नहीं आएगा, चल चल चल। सो लाइफ जैकेट पहन लिया है, तो यहाँ से हम जा रहे। स्लिप तो नहीं होगा पैर? पैर स्लिप तो नहीं होगा? नहीं होगा। डर लग रहा है इस रास्ते से पैर स्लिप ना हो जाए करके। शायद इस वाले बोर्ड में हम जाएंगे तो अब उधर के लोग होंगे मजे। तो मैं बोट पे तो बैठ चुका हूँ, तो अब थोड़ा तालाब की सैर हो जाए। वो जब ही घूम लेते कश्ती रही थी भोपाल में, और यहाँ का सबसे बड़ा झील अपर लेक, यानी इसे भोजताल भी कहते हैं। भोजताल इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो परम भोज राजा थे, उन्होंने ये बिल्ड करवाया था उस टाइम पे। तो आई थिंक भोपाल की 30% जो पॉपुलेशन है, वो आज भी जो ये तालाब का पानी है वो यूज़ करती है। और जो आदमी मेरे पीछे देख रहे हो, ये पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट है, एक यहाँ पर है और एक सामने।
और एक वो सामने जो ये पीला वाला दिख रहा होगा आपको दूर में, तो वो एक फिल्टर प्लांट है जो आयरेशन प्रोसेस होता है, वो होता है सप्लाई घर घर में। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर बोटिंग कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो मतलब दोस्तों मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि मतलब ये एक्सपीरियंस अलग ही लेवल का है। सर ये तालाब 31 किलोमीटर्स के दायरे में फैला हुआ है, तो 40 किलोमीटर दायरे के में फैला हुआ है। तो गूगल में शायद 31 किलोमीटर्स लिखा है, लेकिन ओरिजिनली में ये 40 किलोमीटर्स के दायरे में फैला हुआ है। और गहरा कितना होगा भैया ये? 40 फीट 40 फीट ये गहरा भी है, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। और यहाँ से देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि मतलब समुद्र के बीच में हूँ, है ना? फीलिंग मतलब एकदम समुद्र की आ रही है। तो कभी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस लिया नहीं, तो आज ये शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस है। और तो अभी हम इस झील के मतलब तालाब के बीच में जा रहे हैं, तो हवा भी काफी तेज चल रही है ना? मतलब ये मतलब ऐसा हवा मतलब नॉर्मल चलता है, नॉर्मल है, लेकिन मतलब बड़ी बड़ी वेव उठती है जी। मतलब कितनी बड़ी वेव उठती है? बड़ी बड़ी वेव उठती है, बोट ऐसी जाती है, ऐसी आती है। और वो शिप चल रही है देखो, वो जी 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 सिर्फ हवा से चलने वाली बोट है। अच्छा अच्छा, मतलब उनका अलग से ज्यादा चार्ज होगा, है ना? नहीं नहीं, वो चार्ज नहीं है, काफी बड़ी है तालाब ना। हाँ देखिए सर, ये आपका हो गया राउंड। ओके, आप बोले इसके अलावा तो फिर अपन सोचेंगे। नहीं मतलब हो गया, हो गया। हाँ जी तो दोस्तों मतलब अभी यहाँ पर हम तालाब के बीच में है और काफ़ी वेव चल रहा है, तो एक्सपीरियंस तो मैं बता नहीं सकता। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है जो इस सफ़र के दौरान जो स्ट्रगल चल रहा है ना, तो ऐसी जगह में आके फिर ऐसा भी लगता है कि मतलब अच्छा लगता है कि मतलब हाँ, जो जितना मतलब ये सफ़र चल रहा है सफ़र के दौरान, मतलब इस तरीके की जगह में विजिट करना और यहाँ के जितने भी लोग हैं उनसे बातें करना, उनसे इंटरेक्शन करना, उनसे जान पहचान करना, तो ये एक्सपीरियंस अलग ही है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। तो अभी फिलहाल यहाँ पर काफ़ी वेव भी हो रहा है, मतलब वेव मतलब काफ़ी बड़े बड़े भैया कह रही कि मतलब बड़े बड़े वेव यहाँ पर आते हैं, हवा चलने की वजह से। अभी मतलब इतना नहीं है, अभी छोटे छोटे वेव ही चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं समुद्र के बीच में हूँ और ये वेव चल रहे हैं, तो लेकिन एक्सपीरियंस ना भैया एक्सपीरियंस जो है ना ये मतलब हर जगह नहीं हो पाती है, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस ना। तो फिर दोस्तों अभी शायद यहाँ पर हमारा राउंड तो ख़त्म हो चुका है, तो अब इसके बाद मैं निकलूंगा यहाँ के नेशनल पार्क में। आज सैटरडे है ना? आज सैटरडे सैटरडे ना? जी 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 जी, खुला होगा, खुला। तो आज सैटरडे? अच्छा, भैया ने मुझे डरा दिया था बंद करके, शुक्रवार को बंद। अच्छा अच्छा, तो आज सैटरडे है, तो मतलब आज खुला ही है, तो मैं यहाँ से जाऊँगा सीधे नेशनल पार्क। लाइटनिंग
तो ये गिरगा है। हाँ पकड़ के रखना। हाँ जी मेरे भी बहुत सारे गिरगा हैं, मिलते नहीं है। अब तो कहाँ से मिलेंगे इतना नीचे, हिम्मत भी नहीं है किसी का। वही क्या रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ भैया। एक ले लो फोटो, ले लो फोटो। तो दोस्तों हमारा जो तालाब का टूर है वो तो ख़त्म हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ नेशनल पार्क की तरफ। तो तब तक स्टे ट्यून। तो दोस्तों मैं नेशनल पार्क की तरफ तो जा रहा हूँ, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वॉकवे आप देख सकते हो मेरे पीछे, ना काफ़ी अच्छा वॉकवे बनाया हुआ है, तो व्यू भी काफ़ी अच्छा है। तो यहीं से चलते चलते मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ चलते चलते मुझे एक बढ़िया चीज़ मिली, तो यहाँ पर साइकिल वगैरह रखा हुआ है नेशनल पार्क घूमने के लिए, तो जो रेट है वो है देख सकते हैं आप, 30 मिनट का 5 रुपये, 60 मिनट तक 10 रुपये, और अगली हर 30 मिनट में 15 रुपये कटते जाएंगे। और उसके बाद अगर हमने कई अनऑफिशियल जगह पर साइकिल रख दिया तो एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो मैं साइकिल ही लूँगा क्योंकि टाइम भी कम है और पैदल इतना बड़ा नेशनल पार्क घूमना बहुत मुश्किल, तो साइकिल ही लूँगा मैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है, पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद मैं एक साइकिल लेकर सीधे नेशनल पार्क घूमने जाऊँगा। तो तब तक स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों मैंने साइकिल तो ले लिया, अब निकलते हैं पार्क की तरफ, देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम से साइकिल चलाया नहीं था, लेकिन आज मज़ा आ रहा है। तो अभी मैं साइकिल का राइड लेकर ही पार्क घूमने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो है ना, सो देखते हैं अभी मतलब कितना दूर तक जा पाता हूँ। तो मतलब स्टेडियम। तो फिलहाल मैं पार्क के एंट्री गेट पे तो पहुँच चुका हूँ, ये साइकिल रखी हुई है, तो यहाँ से मैं टिकट ले रहा हूँ, 30 रुपीज़ का टिकट है। तो ऐसे टिकट ले लो फिर अंदर पार्क की तरफ जाएंगे। तब तक स्टेडियम। तो ये टिकट आपकी काम है ना, तो थोड़ा अंदर जाते हैं। तो हमें अंदर हो चुके हैं, तो ये बगल में तालाब है ना, देख सकते हो आप, तो यहाँ से रास्ता। फिलहाल अभी निकल तो गया हूँ काफी समय बाद साइकिलिंग की, तो अभी से पैर दर्द करना शुरू कर दिया है। मतलब ये पूरा फॉरेस्ट है देख सकते हैं आप, तो ये है ना। तो यहाँ पर मोर वगैरह भी चिल्ला रहे। बारिश भी आने जैसा हो रहा है यहाँ पर ना अभी फिलहाल। तो यहाँ पर गोल्डन जैकल वगैरह सब कुछ ऐसा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जाल वगैरह लगा हुआ है। तो यहाँ पर हाइना वगैरह सब कुछ है, तो देखते हैं अगर नज़दीक से दिखा सकूँ तो मैं दिखा दूँगा आप लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखी, तो मैं दिखाऊँगा आपको। तो आप यहाँ पर देखना हिरन, तो ये हिरन अभी घास खा रही है। तो थोड़ा कोशिश करता हूँ पास जाने की, जा पाता हो या नहीं पाता, तो दिखाऊंगा आपको, तो देखना आप। ये देखो ये मुझे देख रहा है, तो ये काफी बड़ा हिरन है। तो हम इसको डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। बहुत मुश्किल से बाहर एक हिरन दिखा हमें भाई। दोस्तों
मैं नेशनल पार्क के एंड गेट तक आप पहुंच गया, लेकिन मुझे एक हिरण के अलावा और कुछ नहीं दिखा। शायद धूप गर्मी की वजह से भी है, तो उसकी वजह से मुझे कुछ दिखा ही नहीं। सिर्फ एक हिरण दिखा वहाँ पर घास खा रहा था, और यहाँ पर एक छोटा सा हिरण का बच्चा है, वो दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो शायद वो अंदर ही चला गया, वो भी तो वो भी घास खा रहा है, तो डिस्टर्ब तो करेंगे नहीं। फिर भी यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ है, तो पहले हम थोड़ा तालाब के अंदर भी जाते हैं। सो हिरण का एक छोटा सा बच्चा है, तो उसको भी आदत हो गई होगी इंसान को, इसलिए भाग नहीं रहा है, आराम से अपना टहल रहा है। तो ये देखो दिखाऊंगा, मतलब ये हिरण का बच्चा बिल्कुल डर नहीं रहा है, देखो आराम से अपना मौज से खा रहा है। मैं तो डर ही नहीं रहा है, आराम से खा रहा है। उसे पता है कि भाई ये इंसान कुछ करेंगे नहीं, इसे भी आदत हो गई होगी शायद। तो मैं एक फ़ोटो लेने की कोशिश करूँगा, तो देखते। हिरण तो चला गया उधर, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था, मतलब एकदम ऐसा लग रहा था जैसे घर का पाला हुआ हिरण है। तो चलिए थोड़ा और देखते हैं अंदर क्या क्या है। बाकी जानवर तो दिखे नहीं, बस हिरण का बच्चा ही दिखा, और बड़ा वाला वो आपको दिखाया था, बड़ा हिरण वही दिखा। तो दोस्तों मैं एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच गया, लेकिन मुझे एक हिरण के अलावा और कुछ देखने को मिला ही नहीं यहाँ पर। मतलब बस ये रोड बनाया हुआ है, ये देख सकते हो आप, जो मेरे पीछे ये रोड है और ये सामने है, मतलब ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं कि मतलब जो देखने के लिए आया था। सर गर्मी की वजह से जितने भी जानवर हैं वो अंदर ही होंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ आने का। तो चलो किस्मत नहीं होगी, किस्मत में होते तो देख लेते। तो मैं सोचा था कि आपको भी दिखाऊंगा चीज़ें, लेकिन हो नहीं पाया, सब बर्बाद, पैसा भी बर्बाद। कोई बात नहीं, अब फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब फिर से कोशिश करूँगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है यहाँ पर ना, क्योंकि रोड बना हुआ है अंदर तक, मतलब जाने का है नहीं, तो बस रोड से जो देखना है रोड से ही देखो। तो मैंने जो सोच के आया था वो चीज़ दिखा नहीं, तो चलो। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ पार्क से, ज़्यादा कुछ देखने को तो मिला नहीं। तो 3 बज गए, शायद मैं मस्जिद नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि उज्जैन के लिए भी निकलना है। तो अब नेक्स्ट टाइम अब फिर कभी MP आऊँगा, भोपाल आऊँगा, तभी हो पाएगा। तो अभी मैं सीधे रूम की तरफ ही निकलता हूँ, तब तक स्टे ट्यून। तो आज मैं भोपाल से उज्जैन की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी 3 बजे का बस है, तो यहाँ से मैं सीधे उज्जैन की तरफ महाकालेश्वर के दर्शन के लिए जाऊँगा। और फिलहाल यहीं पर हूँ मैं, बस स्टैंड के बगल में, एंड देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। 3 बजे का है, तो थोड़ा यहाँ इर्द गिर्द घूम रहा हूँ। बाकी होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इफ़ अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, एंड होप यू एंजॉय द वीडियो। बाकी बस दोस्तों भोपाल का सफ़र यहीं पर ख़त्म होता है, और बाकी आपसे मिलते हैं उज्जैन में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।